कुछ कर लोगे? इम्पोर्ट आपने इम्पोर्ट डाल रखा है, इम्पोर्ट पब्लिक क्लास ओवरलोड, ठीक है। इसके बाद है पब्लिक वाइट पॉलीगन, ठीक है, और इंट एंड और क्या है जो लिखा है मैंने अभी पढ़ा नहीं है, मैंने उसको देखा है, ठीक है। यस सर। वो आगे कह रहे हैं विद वन इंटीजर एंड वन कैरेक्टर टाइप आर्गुमेंट टू ड्रॉ अ फिल्ड स्क्वायर ऑफ साइड एन यूजिंग द कैरेक्टर स्टोर फॉर सी एच। स्क्वायर बनाना तो स्क्वायर के लिए टू डायमेंशनल मैट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी आपको। टू डायमेंशनल मैट्रिक्स बोलो या दो फॉलू नेस्टेड फॉलू, ठीक है। तो ध्यान देखो फॉर मैंने लगाया फॉर इन आई इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस फॉर इन जे इक्वल टू वन, जे लेस देन इक्वल टू एन और जे प्लस प्लस, ठीक है। सबको समझ में आया इतना? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए प्रिंट और सी एच प्रिंट करा तो जो भी कैरेक्टर हो एट द रेट स्टार जो भी उसमें डाला वो आएगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ये स्पेस डालो मत डालो खाली भी डाल सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका पहला, क्लियर है? यस सर। पब्लिक वाइट पॉलीगन इंटेक्स कॉमा इंट वाई, ये क्या कर रहा है? ये कह रहा है विद टू इंटीजर आर्गुमेंट दैट ड्रॉ अ फिल्ड रेक्टेंगल ऑफ लेंथ एल एंड ब्रेथ वाई विद द एट द रेट। क्या प्रिंट करना है? एट द रेट फॉर। अब देखो इसमें आपको पता होना चाहिए बेसिक चीजें, मैंने आपको पहले बताया पहला लूप जो होता है दैट इज फॉर रोज, सेकेंड इज फॉर कॉलम। पहला लूप जो है वो आपका रोज के लिए, रोज के लिए क्या बोला उन्होंने? लेस वो मतलब यानी आप अगर मैं बोलूं ये रेक्टेंगल ये रहा तो उन्होंने बोला है आपका लेंथ एक्स है और ब्रेथ वाई है, तो यानी ये जो जा रहा है ये वाई डिसाइड करेगा। सर ब्रेथ तो बहुत है ना, थोड़ा ब्रेथ तो ऐसे होता है। और मैं अगर ये तो मैंने हॉरिजॉन्टल बनाया कोई वर्टिकल ले रहे वो आपकी चॉइस है ना, तो इसमें कोई मार्क्स नहीं काटेगा कोई टीचर, बस आपको यहाँ पे ये चीज मेंशन करनी जरूरी है। लेकिन आप एक्स कर लो वाई कर लो, जैसे मैंने जो माना मेरे हिसाब से वाई है, कोई वर्टिकल माने कोई कह सर मैं तो ऐसे मान रहा था, तो उसके जो मेरी चौड़ाई हो गई और लेंथ ये हो गई बिल्कुल ऐसे भी सही, तो आपकी वो चॉइस है आप क्या मान लो, ठीक है। वैसे बुक में जो दे रखा है वो इसी हिसाब से जो उन्होंने क्वेश्चंस में एग्जांपल में दिया है वो ये वाला नहीं, देखो ध्यान से। वर्टिकल नहीं है हॉरिजॉन्टल, बट कोई नहीं वो आपके मार्क्स नहीं कटने वाले। फॉर इन जे इक्वल टू वन, जे इज लेस देन इक्वल टू एक्स, जे प्लस प्लस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एट द रेट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। अरे चलाओ मत चलाओ, ठीक है। नेक्स्ट है पब्लिक वॉइड पॉलीगन और कुछ नहीं आर्गुमेंट, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं विथ नो आर्गुमेंट दैट ड्रॉ अ फिल्ड ट्रायंगल बिलो, तो स्टार का बना रहा है, तो फॉर अभी तक सुनो इसमें तो कैरेक्टर और एंड डालने के लिए तब आपका ये प्रोग्राम चलेगा। इस वाले को अगर मुझे बताओ मैंने इसे सिर्फ यूज करा होता सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नो फॉर लूप नथिंग और तीन स्टार प्रिंट करा दिया। नहीं सुन मैं क्या बोल रहा हूँ,
मैं फॉर लूप यूज ही नहीं कर रहा, मैं सिस्टम ऑर्डर प्रिंट यूज कर रहा हूँ। पहला सिस्टम ऑर्डर प्रिंट में उसमें एक स्टार, दूसरा सिस्टम ऑर्डर प्रिंट में दो स्टार, अगले वाले में तीन स्टार, तीन सिस्टम और डायरेक्ट कर रहा हूँ, कोई लॉजिक नहीं लगा। तो सही होता है गलत होता है? नो आर्गुमेंट दैट ड्रॉ अ फिल ट्राइंगल शोन बिलो, जैसा दिया है ऐसा नहीं बोलना, लॉजिक कैसा भी, बाकी सब में आप ये नहीं कर सकते। ये आपके पास वैल्यूज आएगी तो यू कैन नॉट डिफाइन सिस्टम ऑर्डर प्रिंट। यहाँ पे तुम सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट से भी कर सकते थे ये चीज, फॉर लूप मत लगा दे तो भी नहीं चलता। सर मैंने छोटी चीज बताइए कि अगर किसी बच्चे ने कहा सर मैंने सिस्टम से ऑर्डर प्रिंट ही लिखाया, मैंने तो सोचा नहीं लूप से करना है, वो भी सही। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? पक्का समझ में आ गया ना? एंड हो गया यहाँ पे। मेन फंक्शन बनाना है, मेन फंक्शन के लिए आपको स्कैनर, मेन फंक्शन में स्कैनर लेना पड़ेगा। स्कैनर में चॉइस देनी पड़ेगी, आप ऐसा चाहते हो, आप ये चाहते हो या आप ये वाला चाहते हो, आपको चॉइस देनी पड़ेगी। फिर जब चॉइस में वो डालेगा वन टू या थ्री, उसके बेसिस पे आप इनपुट दोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बोला कि भाई स्क्वायर प्रिंट करो विद द इनपुट कैरेक्टर्स, ये पहली चॉइस है। दूसरी चॉइस क्या है? प्रिंट द रेक्टेंगल विद एट द रेट अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ ब्रेड अकॉर्डिंग टू द यूजर, ये सेकंड चॉइस है। थर्ड टू प्रिंट अ सॉलिड ट्रायंगल विद द एस्ट्रिक्स, ये थर्ड चॉइस है। तो वो वन टू या थ्री डालेगा, औधा होगा तो फोर डालेगा, कुछ भी डालेगा भैया, कुछ भी डाल सकता है। तो वन टू या थ्री में से कोई भी एक वैल्यू डालेगा तो वन टू थ्री में डालेगा, तो वन जब डाले तो आप क्या चॉइस इनपुट लोगे भाई? एंटर द साइड एंड कैरेक्टर, एक साइज लिया आई में और एक कैरेक्टर लिया आपने सी में डी में जिसमें भी लेना, और उसको ऑब्जेक्ट बनाने के बाद वहीं का वहीं कॉल कर। ऑब्जेक्ट पहले बना लेना, मेन फंक्शन स्टार्ट होते तो वो भी डॉग आगे जो भी लगा के उसे कॉल कर लिया और उसमें वो पैरामीटर्स पास कर। जैसे अगर आपने मान लीजिए ये वाला करना है तो आप कैसे करेंगे? वो भी मान लीजिए फंक्शन है तो पॉलीगन, हम मान लें आपने आई लिया और सी लिया, आपने ऐसे पास कर लिया, आई ऑटोमेटिकली किसकी वैल्यू बन गई एंड सी किसकी वैल्यू बन गई, बातें तो लॉजिक यहाँ चलेगा ना। फिर अगला आपने कॉल करा मान लीजिए केस टू में लिखा है, केस टू में आप डालेंगे एंटर द लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ आ गई तो आप उस फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे? ए बी डॉट पॉलीगन लेंथ ऑफ ब्रेथ में अगर लिया है आपने पास करेंगे, और अगर तीसरा चॉइस है तो आपको कुछ ही नहीं करना, तब तो आप कोई सिंपल हो ये कर दो। तो ये मेन फंक्शन का काम है, मेन फंक्शन समझ रहे हो? अगर आप लिखने बैठोगे तो वो इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, अब मैं मेन फंक्शन क्यों मना कर रहा हूँ? क्योंकि बोर्ड नहीं बोल रहा आपको, बट मैं आपको सिखा इसलिए हूँ, मांगा तो आप ऐसे मत हो जाना भाई ये तो हमें सिखाया नहीं, तो वहां लिख दो। बट अगर मांगा नहीं है तो अननेसेसरी मत लिखो, क्योंकि मार्क्स कटवाने के लिए है वो। आप क्यों लिख रहे हो जो तो आपसे मांगा नहीं, और उस पर आप गलती कर दो मार्क्स कट जाए, अच्छा नहीं लगेगा ना? yes, कि वो मांगा नहीं है। देखो टीचर अगर अच्छा है तो उसे कट कर देगा, नॉट आस लिखेगा और वहां मार्क्स दे देगा, पर अगर कोई टीचर लड़के है नहीं करेगा तो वो मत लिखो जो आपसे पूछा जाए। ठीक है, आपका प्रोग्राम वहां पे एंड होगा। सर।